हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की ट्रिक नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना पड़ेगा। आपको इस बड़े वाले झूले के पास आ जाना, फिर यहाँ पे आपको एंटर और स्केट बोर्ड एक साथ देना है। तो जब आप एंटर और स्केट बोर्ड एक साथ दोगे तो आप इसी तरीके से नीचे गिरोगे। फिर आपको यहाँ पे बैक कर देना है डायरेक्टली, मतलब आपको स्केट बोर्ड बंद नहीं करना है, बस डायरेक्टली आपको बैक करना है, टारगेट रेंज में आ जाना है। फिर जब आप टारगेट रेंज में आ जाओगे, यहाँ पे आपको जहाँ पे ग्रेनेड मिलते हैं, ग्रेनेड की आप प्रैक्टिस करते हो तो वहीं पे आपको जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रन बटन प्रेस करके रखना है और फिर अपना गेम जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना है। फिर से अपने आपको रिकनेक्ट करना है। तो जैसे आप अपने गेम को रिकनेक्ट करोगे तो आपका स्क्रीन जो है इसी तरीके से मतलब कुछ ऐसे ही करेगा। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, मेरा स्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बफरिंग जैसा कर रहा है, तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको भी सेम इस तरीके से फील होगा। और आप यहाँ पे ग्रेनेड जोन के अंदर आ सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मली आप यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप ये ट्रिक ट्राई करते हो फिर आप यहाँ पे अंदर भी आ सकते हो। आप जो यहाँ पे जिनको आप ग्रेनेड से टारगेट करते हो उनको आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। तो इसको नॉर्मली मतलब स्मूथली, ये स्मूथ नहीं है अभी, तो स्मूथली करने के लिए इसको आप अपना नेट जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं। तो नेट ऑफ करके आपका गेम जो है स्मूथली रन करेगा। तो फिर जब आपको लगेगा कि आप फिर से अपना नेट ऑन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको दिखाया साफ तरीके से, मैंने इसलिए नेट ऑफ किया ताकि आप आराम से देखो कि मैं यहाँ पर ईजिली आ चुका हूँ। तो यहीं पे मैं हूँ, लेकिन स्मूथली वहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने अपना नेट जो है वो ऑफ कर दिया। तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जिसके लिए आपको किसी भी ये जो छोटा सा हाउस है उसके नीचे बैठना पड़ेगा। बैठना मतलब प्रोन करके होना पड़ेगा आप, और आपको उसको स्मूथली पीछे से धक्का देना है तो वो नीचे ज़मीन के अंदर आ जाएगा। मतलब बिल्कुल आप वीडियो में भी देख सकते हो, मेरा जो टीममेट है वो ज़मीन के अंदर आ गया है। और अगर आप अपनी फिर जॉयस्टिक मूव करोगे तो फिर आप आराम से बाहर भी इससे निकल सकते हो। मैं आपको अपना व्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये ट्रिक करनी है। तो आप देख सकते हो टीममेट मेरा नीचे से ऊपर, मतलब ज़मीन के नीचे से ऊपर आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, आप यहाँ पे अच्छे से रैंक पुश कर पाओगे, क्योंकि वो कोई देख ही नहीं पाएगा ज़मीन के अंदर, कौन देख पाएगा। तो ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे बैठना है और फिर जो आपका टीममेट वो आपको स्मूथली पीछे से धक्का देगा तो आप ज़मीन के नीचे आ जाओगे। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे तो आप 100% श्योर हो कि आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे रैंक पुश कर सकते हो। और अगर आप दो बंदे हो तो ये हाउसेस आपको बहुत जगह मिलेंगे, तो आप अपने बंदों को ज़मीन के अंदर नीचे रख सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रैंक पुश कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स और एनिमीज जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि मैंने थोड़ी सी अपनी जॉयस्टिक मूव कर दी और मैं आराम से इसके ऊपर फिर से आ गया। मतलब फंसने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, आप बाहर आराम से निकल सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो रिसप्लाई मैप होता है, मतलब जो रिसप्लाई आप डालते हो, कई बंदे जो होते हैं अपना रिसप्लाई अपने मतलब सोलो में जब खेलते हैं तो अपने रिसप्लाई पे ही उतरते हैं। मतलब मैक्सिमम बंदे जो सोलो में खेलते हैं, सोलो में खेलना पसंद करते हैं, वो अपने लिए एक रिसप्लाई रखना पसंद करेंगे। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो, इसके लिए आपको एक लैंडमाइन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आप किसी भी रिसप्लाई के ऊपर आराम से लैंडमाइन लगा सकते हो और जो लैंडमाइन है पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगी। तो आप वीडियो में देख सकते हो, मैं स्कोप से भी आपको दिखाऊंगा कि लैंडमाइन जो है मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरी तरीके से लैंडमाइन जो है इनविजिबल हो गई है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको अच्छा खासा डैमेज पड़ सकता है, या कोई बंदा जो होगा वो यहाँ पे सीधे नॉक भी हो सकता है, तो आपको मुफ्त में किल मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जिसके लिए आपको फिर से सोशल जोन में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ इस जगह पे ऊपर खड़े होना है, फिर आपको स्केटबोर्ड झुकाना है पीछे की तरफ, और आपको जो है जो फ्री लुक बटन है वो आपको पकड़ के आगे की तरफ रखना है। मतलब अपना मुंह आप खुद ही देखोगे फ्री लुक में, आप इसी तरीके से अपने आप को देखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्केटबोर्ड को प्रेस करना है, एक्सीलेटर करना है, फिर स्केटबोर्ड बंद करके रन बटन पे प्रेस करना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से जंप करने लगोगे। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं बहुत ही फनी तरीके से यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। तो मैं आपको फिर से बताऊँगा कि इसके स्टेप्स आप मतलब आपको किस तरीके से स्टेप्स करने हैं इसके, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास स्केटबोर्ड होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ सोशल जोन में आना पड़ेगा। आपको इसी जगह पे खड़े होना है। तो वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको खड़े होना है।
फिर आपको अपना फ्री लुक पकड़ना है स्केटबोर्ड यूज़ करके अपना फ्री लुक। तो वीडियो में भी आप देख सकते हो फ्री लुक किस तरीके से पकड़ना है। फिर आपको स्केटबोर्ड को एक्सेलरेट करना है, मतलब जिससे वो तेज़ चलता है, और स्केटबोर्ड कैंसिल करके रन बटन पर जल्दी से प्रेस करना है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका जो करेक्टर है इसी तरीके से मतलब जंप करेगा, बहुत ही फनी तरीके से जंप करेगा। तो ये ट्रिक आप ट्राई करके अपने फ्रेंड्स और एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो। तो लास्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मतलब आपको क्या करना है, आपको कोई भी लॉन्च पैड यूज़ करना है, लेकिन ये ट्रिक आप खाली जो है जो इलाइट पास में नया आपको स्केटबोर्ड मिल गया है उसी में होती है, ये उसमें बग है अभी। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब लॉन्च पैड यूज़ करना है, फिर आपको नीचे की तरफ पंच करने हैं। हवा में जब जाओगे आप तो आपको बस नीचे की तरफ पंच करने हैं। तो जब आप पंच करोगे तो आपका स्केटबोर्ड का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पंच करने हैं हवा में नीचे की तरफ। तो जब फिर से आप लॉन्च पैड यूज़ करोगे तो आपका लॉन्च पैड जो है वो आपका जो स्केटबोर्ड है उसका पूरी तरीके से कलर चेंज होगा, वो पिंक कलर हो जाएगा। तो जैसा फिर मैं देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो लॉन्च पैड पे मतलब स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और ये आपके एनिमीज और फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, मतलब ये खाली आपके लिए नहीं है, बस अगर आपको कोई देख लेगा, आपका कोई एनिमी देख लेगा या आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ होंगे तो उनको भी इसका जो चेंज कलर है वो नज़र आएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इनविजिबल जो स्केटबोर्ड कैसे होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इसी तरीके से लॉन्च पैड यूज़ करना है। तो लॉन्च पैड यूज़ करने के बाद आपको नीचे की तरफ थोड़े से पंच करने हैं। तो जब आप नीचे की तरफ पंच करोगे फिर आपको अपना जो स्केटबोर्ड है, आपको इसके लिए स्केटबोर्ड की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आपको स्केटबोर्ड जो है वो आपको ज़मीन पे ऐसे ही यूज़ करना है, जैसे आप नॉर्मली स्केटबोर्ड के ऊपर चलते हैं तो आपको इसी तरीके से अपने स्केटबोर्ड के ऊपर चलना है। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो मैं आप स्केटबोर्ड के ऊपर चलूँगा, तो आप वीडियो में देख सकते हो मेरा स्केटबोर्ड जो है पूरी तरीके से गायब हो चुका है, मतलब इनविजिबल हो चुका है। और ये आपको फ्रेंड्स को भी नज़र आएगा, मतलब आपके फ्रेंड्स स्केटबोर्ड को नहीं देख पाओगे। खाली ये आपके लिए इनविजिबल नहीं हो गया, बस आपके फ्रेंड्स और एनिमीज़ के लिए भी इनविजिबल हो गया, मतलब उनको भी दिखाई नहीं देगा कि ये बंदा जो है किस पे चल रहा है। ये खाली आपके लिए नहीं है, बस ये अभी बग है जो नया वाला स्केटबोर्ड आया है, मतलब जो आपको इलाइट पास में देते हैं स्केटबोर्ड, उसमें बहुत सारे बग्स हैं, क्योंकि वो बाद में उसमें कुछ रिक्लेम की वजह से उसमें कुछ अपग्रेड्स कर दिए गए थे, तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बग रह गए थे। तो हो सकता है ये 2-3 दिन में इसको फिक्स भी करेंगे, लेकिन अभी ये बग चल रहा है। आप इनविजिबल स्केटबोर्ड पे आराम से चल सकते हो, और ये आपके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं कि आप इनविजिबल स्केटबोर्ड पे हो, और अगर कोई एनिमी आपको देखेगा तो उसको भी लगेगा ये इनविजिबल स्केटबोर्ड पे चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा फनी ट्रिक है, इजी और इजी भी है। इसमें इसके लिए आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको एक बार लॉन्च पैड यूज़ करना है और नीचे की तरफ पंच करने पड़ते हैं, तो आपका स्केटबोर्ड जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।